जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं था उस टाइम, ये अब मैंने कंप्लीट राइट किया इसको। इसको देखो, देख लेते हैं। इन ए पोटेटो रेस ए बैकेट प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटेटो एंड द सेकेंड पोटेटो आर प्लेस्ड 3 मीटर नेक्स्ट पोटेटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देर आर टोटल 10 पोटेटोज इन द लाइन। ए कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बैकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटेटो रन्स बैक विद इट ड्रॉप्स इट इन द बैकेट एंड रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटेटो एंड वॉट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन। यानी कंप्यूटर टोटल कितनी डिस्टेंस है वो कवर करेगा, ये आपको बतानी है। चलो मैं आपको ना क्वेश्चन है ना ये समझा देता हूँ कैसा क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे एक बैकेट पड़ी है, ठीक है, आपका जो कंपटीटर है वो आपका यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक पोटेटो पड़ा है, फिर दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी 5 मीटर है, फिर डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, फिर आगे वाले के बीच में भी कितनी है 3 मीटर है। इन सब की बाकी ना 3 3 डिस्टेंस जो है ना वो कितनी है सबके आगे 3 3 मीटर। अच्छा कंपटीटर को ये बोला गया, कंपटीटर जो है उसको ये बोला गया कि यहाँ से तुझे ना दौड़ना है, यहाँ से पहले इस पहले जो पहला जो पोटेटो है ना ये पोटेटो तू दौड़ के यहाँ जाएगा, पोटेटो उठाएगा वापस जो बैकेट है उसमें डालेगा, तो पहले ये जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 5 है ना, फिर वापस दौड़ के आएगा तो 5 और 5 कितनी हो गई 10 हो गई। तो पहले वाले जो पोटेटो में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने 10। एक बार फिर से समझ लो, वो यहाँ खड़ा है और उसको ना 5 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे एक आलू पड़ा है, उस आलू को ला के उसको इसमें डालना है, तो पहले तो वो पोटेटो के पास जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 5 कर ली, फिर वहाँ से उठा के वापस इसमें डालेगा तब कितनी हो गई 5 हो गई, तो 5 और 5 कितनी हो गई 10। फिर स्टूडेंट्स वो यहाँ गया, अब वापस है ना दूसरा पोटेटो कहाँ है ये रहा, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 और 3 8 है, तो पहले तो वो 8 जाएगा और 8 ही वापस आएगा, इसको उठा के लाएगा और बैकेट में डालेगा, तो 8 और 8 कितनी हो गई 16 हो गई। फिर है ना ये तीसरा वाला क्या है, ये भी ना तीसरा जो पोटेटो वो आपका यहाँ पे, तो थर्ड वाला जो पोटेटो आपका यहाँ पे है, तो ये 5 और 3 8 और 8 और 3 11, तो पहले वो 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर वापस आएगा। तो इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स ये क्या बन गई, एक एपी बन गई, और टोटल जो पोटेटोज है टोटल पोटेटोज है वो कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स पोटेटोज है वो कितने हैं आपके 10। टोटल जो स्टूडेंट्स पोटेटो है वो कितने हैं 10 पोटेटोज है टोटल, ये ध्यान में रखना आप लोग। टोटल जो पोटेटोज आपको गिवन है इस क्वेश्चन में वो कितने गिवन है 10 पोटेटोज टोटल गिवन है। तो चलो अपने को ना ये सारी डिस्टेंस है ना वो ऐड करने के लिए कहा है। देखो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, यानी कंपटीटर टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये आपको स्टूडेंट्स इसमें बताना है, ठीक है, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको इसमें बताना होगा। तो टोटल पोटेटोज कितने 10 है, तो देखो एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a+n-1 और आगे क्या है डी एस एन, यानी कि सम, सम का फॉर्मूला क्या, सम तो अपने फाइंड करना है। एन ये टोटल कितने हैं, 10 पोटेटो कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स जाएगा, तो यानी एन की वैल्यू कितनी है 10, 2 into a, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 10, एन की वैल्यू भी 10 है, डी 16-10 6, तो ये आ जाएगा 5, 2 into 10 20, 10-1 9 into 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 29 6
54, तो ये आ जाएगा आप 64 74 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 370 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपका जो फिफ्थ वाला जो चैप्टर है ना वो आपका कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन सिक्स्थ वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, वो तो आपको स्कूल में ही बोर्ड पर ही करवाना पड़ेगा, काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है। अपन है ना सेवन्थ चैप्टर जो है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।